सो हाय एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो पे। सो दोस्तों, काफी सारे भाई लोग औजा का प्रोडक्ट अपने साउंड सिस्टम में यूज करते हैं। तो गई सर, काफी सारे भाई लोग का भर भर के कमेंट आ रहा था कि औजा का जितना भी स्पीकर है सभी का न्यू प्राइस लिस्ट एक वीडियो लेकर आई है। तो फाइनली गई सर, आज की इस वीडियो में मैं औजा का जितना भी स्पीकर है 18 इंची का हो या 12 इंची का हो या 15 इंची का हो, सभी स्पीकरों का इस वीडियो में कवर किया हूँ। और गई सर, आप लोगों को सभी स्पीकर का न्यू प्राइस लिस्ट 2023 में क्या चल रहा है, यह आप लोगों को इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो गई सर, ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप लोग औजा का एक फॉलोइंग है, औजा का स्पीकर अपने साउंड सिस्टम में यूज करते हैं, तो गई सर ये आप लोगों को जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि औजा का कौन सा मॉडल का कितना प्राइस अभी फिलहाल मार्केट में चल रहा है। तो गई सर, ये जो वीडियो है काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है उन भाई लोगों के लिए जो औजा का प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो गई सर, इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी अगर स्पीकर औजा का लेना चाहते हैं किसी भी मॉडल, तो आप लोग इजीली प्राइस के अनुसार से ले पाएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PSTJ ब्लॉग नंबर 1 में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ताकि आप लोग मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके। अगर आप लोगों के मन में साउंड सिस्टम से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कहीं सर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर आईडी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो चलिए गई सर, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गई सर, यहाँ पर हम बात करने वाले औजा के प्रोफेशनल पीए स्पीकर के न्यू प्राइस लिस्ट के बारे में। तो गई सर, यहाँ पर जो मेरा पहला मॉडल नंबर है वो आप लोगों को AS12X100 देखने को मिल जाएगा, जो कि औजा की तरफ से 100 वाट का काफी बेहतरीन क्वालिटी का स्पीकर है, जो कि आप लोगों को 12 इंची में देखने को मिल जाएगा और इसका इंपीडेंस 8 ओम दिया जाता है। गई सर, इस स्पीकर के अंदर वॉइस कॉइल आप लोगों को 1.5 इंची का यूज किया गया, जो कि काफी बेस्ट है। साथ ही गई सर, इस स्पीकर का नेट वेट आप लोगों को 3 kg 200 ग्राम तक दिया गया है। अगर गई सर हम बात करें इस वाले स्पीकर के प्राइस के बारे में, तो इसका प्राइस आप लोगों के मार्केट में इजिली 2178 रुपये के बीच में देखने को मिल जाएगा, जो कि इतने प्राइस रेंज में ये स्पीकर काफी ज्यादा बेस्ट है, जो कि 100 वाटेज में आता है, काफी अच्छे क्वालिटी के बजते हैं। चलिए गई सर, हम बात कर लेते हैं अगले स्पीकर के बारे में। तो गई सर, अगला जो स्पीकर है उसका मॉडल नंबर आप लोगों को AS15X200 देखने को मिल जाएगा, जो कि औजा की तरफ से 200 वाट का काफी बेहतरीन क्वालिटी का स्पीकर है, जो कि 15 इंची में आता है और इसका इंपीडेंस 8 ओम है। गई सर, इस स्पीकर के अंदर आप लोगों को 2 इंची का वॉइस कॉइल यूज किया गया, साथ ही इसका नेट वेट आप लोगों को 4 kg 900 ग्राम दिया गया। तो गई सर, इस स्पीकर के प्राइस के ऊपर हम बात करेंगे, तो इसका प्राइस आप लोगों के मार्केट में इजिली 2500 से 2700 के बीच में देखने को मिल जाएगा, जो कि इतने प्राइस रेंज में आप लोग औजा का ये 200 वाट का स्पीकर 15 इंची में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। गई सर, अगर हम बढ़ते हैं अगले मॉडल नंबर के बारे में, तो अगला जो औजा का मॉडल नंबर है वो आप लोगों को SK12FR देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अभी बेहतरीन क्वालिटी का स्पीकर है, जिसका पावर आउटपुट आप लोगों को 100 वाट देखने को मिल जाएगा। यह स्पीकर भी 12 इंची में आता है और इसका इंपीडेंस 8 ओम देखने को मिल जाता है। और गई सर, इसके अंदर भी 1.5 इंची का वॉइस कॉइल यूज किया गया है। इसके नेट वेट के बारे में बात करेंगे, तो इसका नेट वेट आप लोगों को 3 kg 200 ग्राम ही है। चलिए गई सर, हम बात कर लेते हैं इस स्पीकर के प्राइस के ऊपर। तो गई सर, इसका प्राइस आप लोगों के मार्केट में इजिली 2000 से 2100 के बीच में देखने को मिल जाएगा, जो कि इतने प्राइस में काफी बेहतरीन क्वालिटी का स्पीकर है, जो कि आप लोग इसमें 12 इंच में 100 वाट का स्पीकर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए गई सर, हम बढ़ते हैं अगले मॉडल नंबर के बारे में। तो गई सर, अगला जो मॉडल नंबर है वो आप लोगों को DX12F200 देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी औजा की तरफ से 200 वाट का स्पीकर है, जो कि अभी आप लोगों को 12 इंच में देखने को मिल जाएगा और इसका इंपीडेंस 8 ओम ही दिया गया है। इसके अंदर आप लोगों को 2 इंची का वॉइस कॉइल यूज किया गया और इसका नेट वेट आप लोगों को 4 kg 160 ग्राम देखने को मिल जाएगा। अगर गई सर हम बात करें इस वाले स्पीकर के प्राइस के बारे में, इसका प्राइस आप लोगों के मार्केट में इजिली 2740 रुपये के बीच में देखने को मिल जाएगा, जो कि है औजा का 12 इंची में 200 वाट का एवी स्पीकर है, काफी बेहतरीन क्वालिटी के बजते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए गई सर, हम बढ़ते हैं अगले मॉडल नंबर के बारे में। तो गई सर, अगला जो औजा का मॉडल नंबर है वो आप लोगों को SK15FR देखने को मिल जाएगा, जो कि औजा का
200 वाट का एवीएस स्पीकर है जो कि आप लोगों को 15 इंची में देखने को मिल जाएगा ये स्पीकर और इसका इम्पीडेंस ये तो मैं इसके अंदर 2 इंची का वॉइस कॉइल यूज किया गया तो काफी ज्यादा बेटर है। इसका नेट वेट आप लोगों को 4 kg 900 ग्राम दिया गया जो की काफी बेस्ट है। अगर कहीं सर हम बात करें इस वाले स्पीकर के प्राइस के बारे में, इसका प्राइस आप लोगों के मार्केट में इजिली 2,700 से 3,000 के बीच में देखने को मिल सकता है जो कि इतने प्राइस रेंज में कहीं भी डीलर के पास मिलेगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए गई सर हम बढ़ते हैं अगले मॉडल नंबर के बारे में। तो गई सर अगला जो औजा का मॉडल नंबर है वो आप लोगों को L12MB200 देखने को मिल जाएगा जो कि ये भी स्पीकर काफी ज्यादा पॉपुलर है, 200 वाट में देखने को मिल जाता है जो कि ये 12 इंची का स्पीकर है और इसका इम्पीडेंस 8 ओम देखने को मिल जाता है। इसके अंदर वॉइस कॉइल 2 इंची का यूज किया गया जो कि काफी बेस्ट है जो कि एल सीरीज से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इस स्पीकर का नेट वेट 4 kg 160 ग्राम दिया जाता है जो कि काफी हैवी वजन है इतने 200 वाट के स्पीकर के मुताबिक और इसका मैग्नेट भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस टाइप के स्पीकर बहुत सारे भाई लोग 12 इंची के टॉप में यूज करते हैं, मॉनिटर में यूज करते हैं, अच्छे क्वालिटी का आउटपुट सुनने को मिलता है। अगर कहीं सर हम बात करें इस वाले स्पीकर के प्राइस के बारे में, इसका प्राइस आप लोगों के मार्केट में इजिली 2,100 रुपये से 2,200 रुपये के बीच में देखने को मिल जाएगा जो कि इतने प्राइस रेंज में मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। अगला जो मॉडल नंबर है वो आप लोगों को L12MB300 देखने को मिल जाएगा जो कि ये भी स्पीकर 300 वाट का है, 12 इंची में देखने को मिल जाएगा। तो कहीं सर अगर आप लोगों के पास च्वाइस होता है अपने टॉप के अंदर 300 वाट का स्पीकर डालना तो इजिली इस वाले स्पीकर की तरफ जा सकते हैं जो कि ये 12 इंची का 300 वाट में देखने को मिल जाता है जिसका इम्पीडेंस 8 ओम देखने को मिल जाएगा। तो कहीं सर ये भी स्पीकर काफी ज्यादा बेस्ट है। इसका नेट वेट आप लोगों को 7 kg 300 ग्राम दिया गया जो कि काफी हैवी वजन है। अगर हम बात करें इसके प्राइस के बारे में, इसका प्राइस 3,500 से 3,800 के बीच में देखने को मिल जाएगा जो कि इतने प्राइस रेंज में मिल जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले मॉडल नंबर के बारे में। तो कहीं सर अगला जो मॉडल नंबर है वो आप लोगों को L15MB300 देखने को मिल जाएगा जो कि 15 इंची का स्पीकर है, 300 वाट का है, काफी बेहतरीन क्वालिटी के बजते हैं। काफी सारे भाई लोग इसे 15 इंची के टॉप में या 300 वाट का स्पीकर यूज करते हैं, अच्छी क्वालिटी के आउटपुट आप लोगों को सुनने को मिल जाएगा और भी सर इस वाले स्पीकर का इम्पीडेंस 8 ओम देखने को मिल जाता है। इसका वॉइस कॉइल 3 इंची का है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफी अच्छे क्वालिटी के बजेंगे और इसके नेट वेट के बारे में बात करेंगे तो इसका नेट वेट आप लोगों को 8 kg 150 ग्राम देखने को मिल जाएगा। तो गई सर इस स्पीकर के प्राइस के ऊपर अगर हम बात करें तो इसका प्राइस आप लोगों के मार्केट में इजीली 4,000 से 4,500 के बीच में देखने को मिल जाएगा जो कि इतने प्राइस रेंज में आप लोग किसी भी डीलर के पास औजा का ये वाला 300 मॉडल का स्पीकर ले पाएंगे जो कि 300 वाट का काफी बेहतरीन क्वालिटी का स्पीकर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले मॉडल नंबर के बारे में। तो गई सर अगला जो मॉडल नंबर है वो आप लोगों को L15MB400 देखने को मिल जाएगा जो कि ये भी औजा की तरफ से काफी ज्यादा पॉपुलर मॉडल का ये स्पीकर है जिसका पावर आउटपुट आप लोगों को 400 वाट देखने को मिलता है और ये जो स्पीकर है 15 इंची का है और इसका इंपीडेंस 8 ओम देखने को मिल जाता है। इसके अंदर भी आप लोगों को 3 इंची का ही वॉइस कॉइल देखने को मिल जाएगा। इस स्पीकर के नेट वेट के बारे में बात करेंगे तो इसका नेट वेट आप लोगों को 7 kg 800 ग्राम दिया गया जो कि काफी हैवी वजन है। चलिए अब हम बात कर लेते इसके प्राइस के बारे में, इसका प्राइस आप लोगों के मार्केट में इजिली 5,000 से 5,600 रुपये के बीच में देखने को मिल जाएगा जो कि इतने प्राइस रेंज में आप लोग ये वाला औजा का मॉडल किसी भी डीलर के पास ले पाएंगे। अगर आप लोग अपने टॉप के अंदर 400 वाट का स्पीकर लगाना चाहते हैं तो ये चॉइस काफी आप लोगों के लिए बेटर रहेगा और अच्छी क्वालिटी के आउटपुट आप लोगों को सुनने को मिल जाएगा। चलिए गई सर हम बढ़ते हैं अगले मॉडल नंबर के बारे में। तो गई सर अगला जो मॉडल नंबर है वो आप लोगों को L15MB500 देखने को मिल जाएगा जो कि औजा की तरफ से 500 वाट का काफी पावरफुल स्पीकर है जो कि 15 इंची में ही देखने को मिलेगा और इसका भी इम्पीडेंस आप लोगों को 8 ओम देखने को मिल जाएगा। तो गई सर अगर आप लोग अपने टॉप के अंदर 500 वाट का औजा का स्पीकर ओरिजिनल डालना चाहते हैं तो इजिली इस वाले मॉडल की तरफ जा सकते हैं जिसके अंदर वॉइस कॉइल 4 इंची का यूज किया गया तो आप लोग समझ सकते हैं काफी ज्यादा हैवी क्वालिटी के आउटपुट इस वाले स्पीकर से मिड और बेस काफी अच्छे क्वालिटी के सुनने को मिल जाएंगे। इसके नेट वेट के बारे में बात करेंगे तो इसका नेट वेट आप लोगों को 9 kg है जो कि काफी ज्यादा हैवी वजन है। अगर हम बात करें इसके प्राइस के बारे में, इसका प्राइस आप लोगों के मार्केट में 6,000 से 6,700 रुपये के बीच में देखने को मिल जाएगा जो कि इतने प्राइस रेंज में काफी है, अच्छे क्वालिटी के स्पीकर है। अपने टॉप में 15 इंच में यूज करेंगे तो बिल्कुल ही सामने से अच्छे क्वालिटी के मिड और बेस आप लोगों को सुनने को मिलेगा। तो भाई सर अगला जो मॉडल नंबर है वो आप लोगों को L15MB650 देखने को मिल जाएगा
जो कि ऊर्जा के तरफ से 650 वाट का 15 इंची का ये स्पीकर है जिसका इम्पीडेंस 8 ओम देखने को मिल जाता है। तो सर अगर आप लोग अपने टॉप के अंदर काफी हेवी वाटेज का 15 इंची का स्पीकर यूज करना चाहते हैं तो इस वाले स्पीकर की तरफ जा सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, जिसका नेट वेट आप लोगों को 11 kg देखने को मिल जाएगा। अगर कहीं सर हम बात करें इसके प्राइस के बारे में तो इसका प्राइस आप लोगों के मार्केट में इजिली 9,000 से 9,500 रुपए के बीच में देखने को मिल जाएगा, जो कि इतने प्राइस रेंज में आप लोग ये वाला मॉडल ऊर्जा का ले पाएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले मॉडल नंबर के बारे में। तो कहीं सर अगला जो ऊर्जा का मॉडल नंबर है वो आप लोगों को L18SW650 देखने को मिल जाएगा, जो कि ऊर्जा की तरफ से 18 इंची का बेस स्पीकर हो जाता है जो कि 650 वाट में देखने को मिल जाता है। तो अभी सर काफी सारे भाई लोग इस टाइप का स्पीकर यूज करते हैं, अच्छे क्वालिटी के आउटपुट सामने से पंच थ्रो मिलता है, जो कि 18 इंची का स्पीकर है जिसका इंपीडेंस 8 ओम देखने को मिल जाता है। और गई सर इसके अंदर आप लोगों को 4 इंची का ही वॉयस कॉइल यूज किया गया है। अगर गई सर हम बात करें इस वाले स्पीकर के नेटवेट के बारे में, जिसका नेटवेट 12 kg है। और गई सर इस स्पीकर का प्राइस आप लोगों के मार्केट में इजिली 10,000 से 10,400 रुपए के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो कहीं सर इस टाइप के स्पीकर वही भाई लोग यूज करते हैं जो कि लाइव प्रोग्राम में अच्छे क्वालिटी के बेस चाहते हैं, तो उनके लिए 650 वाट का बेस अपने सिंगल बेस में यूज करते हैं, अच्छे क्वालिटी के मिलते हैं, या डुअल बेस में भी यूज कर पाएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए कहीं सर हम बढ़ते हैं अगले मॉडल नंबर के बारे में। तो कहीं सर अगला जो मॉडल नंबर है वो आप लोगों को L18SW800 देखने को मिल जाएगा, जो कि ये भी ऊर्जा की तरफ से 18 इंची का 800 वाट का काफी पावरफुल ये स्पीकर है। अगर आप लोग 800 वाट का अपने सिंगल बेस के अंदर स्पीकर डालना चाहते हैं तो इजीली इस वाले स्पीकर की तरफ जा सकते हैं, जो कि 18 इंची का स्पीकर है और इसका इंपीडेंस 8 ओम देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर भी आप लोगों को 4 इंची का वॉयस कॉइल यूज किया गया है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका नेट वेट आप लोगों को 12 kg 800 ग्राम देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा हैवी वजन है। अगर कहीं सर हम बात करें इसके प्राइस के बारे में, इसका प्राइस आप लोगों के मार्केट में इजिली 11,000 से 12,000 के बीच में देखने को मिल सकता है, जो कि इतने प्राइस रेंज में आप लोग ये वाला मॉडल ऊर्जा का कहीं भी ले पाएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए कहीं सर हम बढ़ते हैं अगले मॉडल नंबर के बारे में। तो कहीं सर अगला जो मॉडल नंबर है वो आप लोगों को L18SW1000 देखने को मिल जाएगा, जो कि ये भी मॉडल नंबर ऊर्जा का काफी ज्यादा पॉपुलर है। ये 1000 वाट का स्पीकर है, 18 इंची में देखने को मिलते हैं। तो काफी सारे भाई लोग ऊर्जा का 1000 वाट का स्पीकर यूज करते हैं बेस के लिए, बिल्कुल ही अच्छे क्वालिटी के परफॉर्मेंस ये वाला स्पीकर करता है, बहुत सारे भाई लोग यूज करते हैं, नो डाउट। ये जो स्पीकर है 8 ओम इंपीडेंस का देखने को मिल जाता है और इसके अंदर वॉयस कॉइल 5 इंची का यूज किया गया है। तो कहीं सर यहाँ पर वॉयस कॉइल 5 इंची का है तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये जो स्पीकर है काफी ज्यादा वाइब्रेट करेगा और काफी सामने से आप लोगों को अच्छे क्वालिटी के पंच और थ्रो आप लोगों को सुनने को मिल जाएगा। तो कहीं सर इस स्पीकर का नेट वेट आप लोगों को 19 kg 200 ग्राम है, जो कि काफी ज्यादा हेवी वजन है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यह ऊर्जा का 1000 वाट का काफी बेहतरीन क्वालिटी का बेस के लिए स्पीकर माना जाता है। अगर हम बात करें इसके प्राइस के बारे में, इसका प्राइस आप लोगों के मार्केट में इजिली 13,000 से 14,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा, जो कि इतने प्राइस रेंज में आप लोग किसी भी डीलर के पास ऊर्जा का ये वाला मॉडल 1000 वाट का 18 इंची बेस स्पीकर ले पाएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले मॉडल नंबर के बारे में। तो भाई सर अगला जो मॉडल नंबर है वो आप लोगों को L18SW1300 भी देखने को मिलेगा, जो कि ऊर्जा की तरफ से काफी हाई वाटेज का ये बेस स्पीकर है, जो कि आप लोगों को 18 इंची में देखने को मिल जाता है। इस स्पीकर का पावर 1300 वाटेज है, बट यहाँ पर कंपनी क्लेम करती है कि आप लोग इसे कंपटीशन में 2600 वाटेज तक भी बजाते हैं तो कोई दिक्कत होता नहीं है, लेकिन कहीं सर आप लोग इसे 1500 और 1600 वाटेज तक बजा सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये जो स्पीकर है 18 इंची का स्पीकर है और कहीं सर ये आप लोगों को 4 ओम इंपीडेंस का ये स्पीकर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है ऊर्जा का ये जो मॉडल है 4 ओम इंपीडेंस का ये स्पीकर है, जिसके अंदर वॉयस कॉइल 5 इंची का यूज किया गया है। इस स्पीकर के नेट वेट के बारे में बात करेंगे तो इसका नेट वेट आप लोगों को 18 kg 800 ग्राम देखने को मिल जाएगा। और कहीं सर इस स्पीकर का प्राइस आप लोगों के मार्केट में इजिली 20,000 से 22,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो कहीं सर यहाँ पर जो ऊर्जा का अगला जो मॉडल नंबर है, जो कि इस वीडियो में लास्ट मॉडल नंबर होगा, वो आप लोगों को L18SW1300X देखने को मिल जाएगा, जो कि सेम अगले वाले ही स्पीकर की तरह भी इसका भी पावर आउटपुट 1300 वाटेज ही देखने को मिल जाएगा, जो कि इसका भी 2600 वाटेज प्रोग्रामिंग पावर है। गई सर ये भी स्पीकर 18 इंची का ही आता है और इसका भी इंपीडेंस
आप लोगों को फोरम ही देखने को मिल जाएगा। और इसके अंदर भी आप लोगों को 5 इंची का ही वॉइस कॉइल यूज किया गया है। इस वाले स्पीकर का भी नेट वेट आप लोगों का 18 kg 800 ग्राम देखने को मिल जाएगा। और इसका प्राइस आप लोगों के मार्केट में इजिली 19,000 से 20,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा। ऊर्जा का अगर आप लोग हेवी वाटेज का स्पीकर अपने बेस में डालना चाहते हैं तो यहाँ पर 1300 वाटेज या 1000 वाटेज के तरफ जा सकते हैं। या कहीं सर आप लोग अपने 15 इंची टॉप के अंदर डालना चाहते हैं तो इजिली 500, 400 और 650 वाटेज के 15 इंची स्पीकर के तरफ जा सकते हैं। तो कहीं सर आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं इस वीडियो में जितने भी प्राइस बताया क्या आप लोगों के मार्केट में इतना ही प्राइस चल रहा है। कहीं सर हो सकता है कि प्राइस मार्केट के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग आप अपना मैनेज कीजिएगा क्योंकि कहीं सर हर मार्केट के हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कोई भी मॉडल का आपके मार्केट में कितना प्राइस चल रहा है ताकि और भी भाई लोग का हेल्प हो सके। कमेंट के द्वारा इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा मॉडल का कितना प्राइस है। तो अगर आप लोग परचेस किए हैं ओजा का स्पीकर अपने मार्केट में तो इजीली प्राइस नीचे कमेंट कीजिएगा कितना प्राइस में ये वाला मॉडल मिल रहा है। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले ताकि आप लोग मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके। अगर आप लोगों के मन में साउंड सिस्टम से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या कहीं सर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी वहां पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं जिसका यूजर आईडी स्क्रीन पर शो हो जाएगा या उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।